नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप सर्दियों के मौसम में इंस्टेंट यानी कि तुरंत ग्लोइंग फेस चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताए गए ये 5 टिप्स जरूर अपनाएं। जी हाँ, साफ और निखरता चेहरा पाने के लिए हम लोग क्या नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ये नसीब होता है। तरह तरह के फेस पैक बनाने के लिए आजकल किसी के पास समय नहीं है, इसीलिए आज हम इस वीडियो के जरिए आपको ये बताएंगे कि आप तुरंत यानी कि इंस्टेंट ग्लोइंग फेस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको 5 ऐसे ब्यूटी टिप्स बताएंगे जिनको अपना कर आप तुरंत ही इंस्टेंटली अपने चेहरे पर रौनकता दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहला स्थान आता है आलू का। यदि आप कहीं बैठे हैं और झटपट कहीं जाने का प्रोग्राम बन गया है, लेकिन आपको अपने चेहरे पर डार्कनेस और कालापन दिख रहा है, तो आप आलू का प्रयोग कर सकते हैं। आलू का प्रयोग करने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं होती है। आप आलू को कद्दूकस कर लें और 5 से 10 मिनट तक इससे अपने चेहरे पर हल्का हल्का मसाज करें। इससे आपको चेहरे पर तुरंत निखार दिखाई देने लगता है। और यदि आप आलू को कद्दूकस ना करना चाहते हो तो आप आलू की स्लाइस बनाएं और स्लाइस को ही अपने चेहरे पर रगड़ लें। इससे भी आपकी स्किन पर तुरंत निखार मिल जाता है। अपने चेहरे पर तुरंत गोरापन प्राप्त करने के लिए आप मलाई और हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। बेजान और रूखी त्वचा के लिए मलाई और हल्दी का पेस्ट बहुत ही कारगर होता है। यह पेस्ट बनाना बहुत ही आसान होता है। इस पेस्ट के जरिए आपको 1 चम्मच हल्दी और करीब 1/2 चम्मच मलाई लेनी होती है, जो कि आपके घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आप इन दोनों का एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लीजिए और इस पेस्ट से पहले कुछ देर तक अपने चेहरे पर मालिश कीजिए और फिर 5 से 10 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें। आपको इसे लगाने से अपने चेहरे पर नेचुरल ग्लो दिखाई देने लगता है। हमारा आज का तीसरा नुस्खा है पपीता। पपीता स्किन टोन को हल्का करने के लिए बहुत ही गजब की चीज होती है। पपीते का प्रयोग करते हुए आप अपने चेहरे पर शाइनिंग प्राप्त कर सकते हैं और दाग धब्बों को दूर करने के लिए पपीता बहुत ही गजब का फल होता है। इस उपाय के जरिए आपको पपीते का गूदा तैयार कर लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल मिश्रित करके उसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर करीब 15 मिनट तक लगा लीजिए और 15 मिनट के पश्चात आप इसे साफ और स्वच्छ पानी से साफ कर लीजिए। यह भी आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लोइंग ले आता है। यदि आप इनमें से कोई भी सामान ना जुटा पाए तो आप सिर्फ और सिर्फ टमाटर का प्रयोग करके अपने चेहरे पर निखार ला सकते हैं। टमाटर के अंदर भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अकेले टमाटर में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके चेहरे से संबंधित हर समस्या को दूर कर सकता है। टमाटर का उपयोग करने के लिए आपको इसका पेस्ट तैयार कर लेना होता है। आप टमाटर से उसके बीज निकालकर उसे अच्छी तरह से मैश कर लीजिए और इसे गाढ़े पेस्ट के तौर पर अपने चेहरे पर आप लगा लीजिए। करीब 10 से 15 मिनट तक इसे लगा रहने दें और उसके बाद स्वच्छ पानी से अपने चेहरे को साफ कर लीजिए। इससे आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लोइंग आ जाती है और इससे आपके चेहरे की झाइयां भी दूर हो जाती हैं। हमारा आज का अगला और अंतिम नुस्खा है तुलसी की पत्तियों के द्वारा कैसे हम गोरापन प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी की पत्तियों का पेस्ट भी चेहरे के लिए बहुत ही सफल पेस्ट होता है। हालांकि ये कॉस्मेटिक क्रीम की तरह चेहरे पर तुरंत निखार नहीं लाता है, लेकिन इससे चेहरे के दाग धब्बे और गड्ढे धीरे धीरे भर जाते हैं। साथ ही तुलसी की पत्तियां चेहरे के सांवलेपन को भी दूर कर देती है। तो इस प्रकार से इन 5 नुस्खों में से आप कोई भी एक नुस्खा अपनाकर अपने चेहरे पर इंस्टेंट ग्लोइंग ला सकते हैं। तो यदि आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इस जानकारी को अपने मित्रों तक पहुँचाने के लिए कृपया इसे शेयर करना ना भूले। यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल फिटनेस गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।